ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस यदि बहुत सुंदर हैं और हमारी मनोस्थिति बहुत श्रेष्ठ है तो हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, हमारी कार्य करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, हमारी चारों ओर सब कुछ निर्विघ्न हो जाता है और सफलता प्रति पल हमारे चरण चूमती है। तो आइए हम अपने कर्म क्षेत्र पर रहते हुए अपनी स्थिति को महान बनाकर रखें। हमारी स्थिति, हमारे संकल्प, हमारा योग अभ्यास हमारे चारों ओर के वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बना देता है और जब मन की स्थिति श्रेष्ठ होती है तो तन भी बहुत एनर्जेटिक रहता है, इसमें भी एक थ्रिलिंग रहती है, बहुत सुंदर कर्म करने का उमंग उत्साह रहता है और मन शांत होने से बौद्धिक शक्ति तो कई गुना बढ़ जाती है। हमारे संस्कार भी इससे श्रेष्ठ होते जाते हैं और चारों ओर क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत सूदिंग, बहुत पॉजिटिव और पावरफुल हो जाते हैं तो हमारे अन्य साथी हमारे पूरी तरह सहयोगी बने रहते हैं। इसलिए परिवारों में जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके साथी विरोध करते हैं, जिनको कदम कदम पर समस्याएं हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, उनका चिंतन निगेटिव है, उनका दृष्टिकोण निगेटिव है या उनका व्यवहार वातावरण को भारी किए रखता है। इन सब में चेंज लानी है। हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं उस सब के जो कुछ हमारे चारों ओर हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, जिसका परिणाम ये सब होता है। तो हम सभी महान बने, ऐसा वातावरण चारों ओर क्रिएट करें कि उसका परिणाम बहुत सुखद और कल्याणकारी हो। श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए श्रेष्ठ स्वमान की परम आवश्यकता है। स्वमान श्रेष्ठ तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं, स्वमान श्रेष्ठ तो स्थिति बहुत महान। हम स्वमानधारी माना बहुत महान हो गए, हमारा स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा उठ गया तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ हमें छोटा प्रतीत होगा, कोई भी चीज डिस्टर्बिंग नहीं होगी और हमारी स्थिति महानता की ओर चलती जाएगी। तो हम अपने श्रेष्ठ स्वमान के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते चले और साथ साथ संगठन में रहते, घरों में रहते हुए इस बात का ध्यान रखें कि हमारी बोलचाल, हमारा वार्तालाप वातावरण को भारी करने वाला न हो, किसी के मन को परेशान करने वाला न हो, बल्कि भारी व्यक्ति को भी सरल बनाने वाला हो, भारी वातावरण को खुशनुमा कर देने वाला हो। हम ये कला डेवलप करेंगे कि कैसा भी भारी माहौल हो, हम अच्छे शब्द बोलकर उसे खुशनुमा बना दें तो जीवन की अनेक समस्याएं सहज ही समाप्त हो जाएंगी। हम इसकी शुरुआत करेंगे इस स्वमान से कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरा तो जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है, मैंने तो इस धरा पर अवतार लिया है, यहाँ सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए यहीं से प्रारंभ हो जाएगी हमारी सुखद यात्रा। और हम याद करेंगे हम तो देव कुल की महान आत्माएं हैं, कितना लंबा समय हमने देव स्वरूप में व्यतीत किया है। तो हमारे देव संस्कार हमारे अंदर जागृत होते जाएंगे। तो आज विशेष रूप से सारा दिन हम पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। ये स्वरूपों का अभ्यास स्वदर्शन चक्रधारी होना है और इससे हमारे विचारों में, हमारे जीवन में, हमारी स्थिति में श्रेष्ठता
और दिव्यता आ जाती है। पहले आत्मिक स्वरूप मैं ये हूँ, ये देह नहीं, रेल स्वरूप सामने खड़ा कर दे, ये था मेरा 2500 साल तक चलता हुआ देव स्वरूप, मंदिरों में पूजनीय स्वरूप, और अब का ब्राह्मण स्वरूप जिसमें प्रभु मिलन का आनंद प्राप्त हुआ, और फिर चमकीली ड्रेस पहने हुए फरिश्ता स्वरूप, हर घंटे में एक बार करेंगे इतना ही बस। बहुत सुंदर। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।